सर पे बांध के आओ स्कार्फ या कोई और चीज इसके लिए मजबूर करेगा। हिजाब को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, बोले ये नहीं चलने देंगे। मध्य प्रदेश के दमोह में एक प्राइवेट स्कूल का पोस्टर हाल ही में वायरल हुआ था, जिसमें कथित रूप से हिंदू लड़कियों को हिजाब में दिखाया गया। स्कूल पर आरोप है कि हिंदू छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने निजी स्कूल संचालकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बेटी को हिजाब या सिर पर स्कार्फ बांध कर आओ, उसके लिए मजबूर करेगा तो स्कूल मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे। सीएम शिवराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि दमोह के स्कूल में जो हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेंगी, ऐसे स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। हिजाब को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, दमोह के स्कूल में सिर पर कुछ बांध कर आओ ये नियम बना दिया। नहीं, दमोह के हिजाब स्कूल मामले में बड़ा खुलासा, बच्चों को भारत के टुकड़े करने वालों की कविताएं पढ़ाई जा रही थी। सीएम शिवराज ने कहा कि जिस व्यक्ति ने भारत का विभाजन किया उस व्यक्ति की कविताएं पढ़ाई जा रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं सावधान करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर ऐसी हरकतें नहीं चलेंगी। जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है पीएम मोदी ने, वही नई शिक्षा नीति लागू होगी। नई शिक्षा नीति के खिलाफ अगर कोई स्कूल गलत चीज पढ़ाएगा या किसी बेटी को हिजाब या सिर पर स्कार्फ बांध कर आओ उसके लिए मजबूर करेगा तो ऐसा स्कूल मध्य प्रदेश में नहीं चल पाएगा, ये मध्य प्रदेश में नहीं चलने देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। हारून खान नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चुनाव नजदीक है इसलिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अनिल दुसाद नाम के एक शख्स ने लिखा, मामा जी साफ साफ कह देते कि आपको स्कूल से नफरत है, आप नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त करे। मजर हाशमी नाम के एक यूजर ने लिखा, संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान अपनी मान्यताओं के अनुसार चलाने का अधिकार दिया है, अगर किसी को पसंद नहीं है तो उस शिक्षण संस्थान में दाखिला ना ले, बंद करने की धमकी संविधान विरोधी है। धर्मेश शर्मा नाम के एक यूजर ने शिवराज सिंह चौहान से कहा, मंच पर चढ़कर झूठ कर ढिंडोरा पीटने वाले झूठे मामा फालतू ढोंग मत फैलाइए, अगर वास्तव में आप धरातल पर काम करना चाहते हैं तो शिक्षक भर्ती में 51,000 पद वृद्धि करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को आप कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।